हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को ऊष्मागतिकी भी बोला जाता है। ये आईआईटी लेवल के लिए बहुत उपयोगी सब्जेक्ट है। आप आईआईटी जेई की बात कर लो, आईआईटी जेई की बात कर लो, बीएससी में पूरी बुक है। फर्स्ट सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कैसे अपन क्या क्या देखते हैं, कैसे इसको यूज में करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये सब चीजें आज हम इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स अपने रूटीन लाइफ में जैसे अपन हीट की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो इन सब चीजों ये कैसे काम करती है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। इन सब चीजों को एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स करती है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स स्टडी वर्क हीट एनर्जी और आप किसी चीज में फोर्स लगा रहे हो। ये पेन है, इसमें मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं तो ये कैसे काम करेगा, किस तरफ जाएगा, ये सब टोटली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। आपने देखा होगा हीट उष्मा, अपन उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को इसको चार क्वांटिटी में बांटा गया है। इसको अपन को समझने के लिए ये चार चीजें अपन को पता होनी चाहिए। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड इंटरनल एनर्जी, थर्ड हीट और एंट्रोपी। देखिए टेम्परेचर आपको पता है तापमान, इसकी थर्मोडायनेमिक्स में अपन को ये क्या होता है अपन को पता होना चाहिए। सेकंड इंटरनल एनर्जी बाहरी ऊर्जा, इसको यू और इसे डिनोट करते हैं। फिर है हीट उष्मा, एंट्रोपी एंट्रोपी, ये चारों चीजें अपन को पता होनी चाहिए। सेकंड केस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के भी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, इसको गोपनीय तरीके से तीन भागों में बांटा गया है। इसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक गणित थर्मोडायनेमिक्स का, जिस पे अपन थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मान लो ये आपका कंटेनर है, इसमें से आपने एनर्जी को
करें। ऐसा होता नहीं है कि जो अपन मान लो किसी कंटेनर को अपन गर्म करें और उसमें से मास में ट्रांसफर ना हो और न एनर्जी ट्रांसफर हो, ऐसा सिस्टम होता नहीं है। अगर अपन रूटीन लाइफ की बात करें, आप किसी कंटेनर को गर्म कर रहे हो, उसको बाहर से एनर्जी दे भी रहे हो और उसमें आप देख रहे हो न एनर्जी ट्रांसफर हो न मास ट्रांसफर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट फिर भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनफाइनाइट एनर्जी उसमें ऐसा सिस्टम माना जाता है कि एज्यूम किया जाता है कि ऐसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि अपन किसी कंटेनर को गर्म करें और उसमें से मास भी ट्रांसफर न हो और न एनर्जी ट्रांसफर हो, तो ऐसा सिस्टम तो पॉसिबल है नहीं। बट फिर भी इन्फिनाइट टाइम पे देखा जाता है कि वहां पर ऐसा सिस्टम अपन मान। ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स है, ये अपन एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाता है, ये केवल अपन को पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले ये इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का होना जरूरी है। ये इंग्लिश बोर्ड हिंदी मीडियम दोनों वालों में सेम होता है, वैसे साइंस में फिजिक्स में हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहता, लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती। बट बस आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिख सकते हैं लेकिन हिंदी वालों को भी कुछ ना कुछ इंग्लिश के टॉपिक देखने चाहिए, मीनिंग देखनी चाहिए, क्योंकि उनको आगे जाके फ्यूचर में इंग्लिश से ही एड्रेस वगैरह इंग्लिश में होती है, तो इसलिए उसमें देखना चाहिए। और बट फिर भी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और उनको हिंदी मीडियम में भी नोट्स लिख पाएंगे। देखो ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। सिंपल सी चीज है थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, जिसमें अपन वर्क कार्य उष्मा और एनर्जी इन तीनों चीजों का अपन स्टडी करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। सेकेंड चीज चार तरीके से अपन इसको समझते हैं, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट और एंट्रोपी। ये चार चीजों से अपन इसको देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्लासिफाइड तरीके से तीन टाइप की होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें एनर्जी इन एंड आउट, मास इन एंड आउट। क्लोज सिस्टम नो मास ट्रांसफर, एनर्जी इन एनर्जी आउट। आइसोलेटेड सिस्टम नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस होते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए अपन को ये दो तीन चीजें और पता होनी चाहिए। ये टोटल पूरा सिस्टम उसको अपन बोलते हैं स्पेस, आकाश जो आप अपने लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो चीजें होती है उनको अपन बोलते हैं सराउंडिंग, यानी पृथ्वी जो आप हिंदी में बोलते हो। उसके फिर अंदर ये आपकी बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री है, यहाँ पर आपका कोई सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया, ये बाहर निकाला तो यूनिवर्स जिसमें अपन सभी है। फिर इसके अंदर मान लो जो आपके आकाश वगैरह जो भी है वो सराउंडिंग के अंदर आता है। फिर जो ये चीजें हैं, आपने मान लो कोई सिस्टम रखा हुआ है, ये एग्जांपल के तौर पे ये आपका सिस्टम है, इसके अंदर जो वाटर है ये आपका बाहर वाला क्या है, बाहर वाला बाउंड्री। इसके चारों तरफ जो एयर वगैरह जो भी कुछ है वो आपका क्या हो गया, सराउंडिंग। और ये बाहर का जो इसको कवर कर रखा है वो क्या हो गया, यूनिवर्स। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। चलो इसके आगे देखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम फर्स्ट नियम जीरू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि शून्य का नियम ऊष्मागतिकी का। इसमें क्या होता है कि अपने पास तीन सिस्टम है, ए बी सी। ए सी के साथ ताप के साम्य अवस्था की है, यानी कि थर्म
ए के साथ है, टी बी इस सी के साथ है, देन तो फिर आप देख सकते हो कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगे, तापीय साम्य की अवस्था में होंगे। यानी कि आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन, ये वाला सिस्टम सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, बी वाला सिस्टम सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, देन ये दोनों सिस्टम भी तापीय साम्य अवस्था में होगी यदि जीरो को खत्म होता है। ये आपके एग्जाम में एक आधे नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है कि जीरो लो को खत्म होता है। मिक्स क्या है तो आपको लिखना है कि हर ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, इसमें लिखना है कि सिस्टम ए और सिस्टम सी, सिस्टम ए पर सिस्टम ए और सी तापीय साम्य की अवस्था में है और सिस्टम बी और सिस्टम सी भी तापीय साम्य अवस्था में है, तो सिस्टम ए और बी भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। यह आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है इसको समझने के लिए पहली चीज अपन को थर्मोडायनेमिक्स में वर्क देखा जाता है, कार्य। थर्मोडायनेमिक्स में कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे किया जाता है, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। इसको क्या है, ये चीज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थी, ऐसे ऐसे बुक्स और कुछ है नहीं, इतना कुछ खास। आप इस थर्मोडायनेमिक्स को बोलिए यहां से लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपके पास कोई सिस्टम है, कोई मान लो कंटेनर है आपके पास, इसमें यहां तक कुछ है, इसमें कुछ भी बना हुआ है एक्स वाई जेड। आप ऊपर से किसी पिस्टन से आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, ये इसका एरिया है, यहां से इसमें फोर्स लगा रहे हो ऊपर से, तो अब मान लो इसमें कुछ जगह थी तो ये यहां तक आ गया, यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है। पहले चाहिए टोटल, ये आपका एक्स और जो आपने इसमें चेंज किया है एक्स प्लस डेल्टा, ये आपका कंटेनर था, इसमें आपने किसी पिस्टन से इस पे फोर्स लगाया नीचे की तरह, तो इसमें क्या होगा, ये फोर्स है ऊपर की तरफ काम करेगा, एफ, एफ को आप क्या बोलते हो और बल, तो ये ऊपर की तरफ काम करेगा, ये इसका एरिया है, इसका एरिया है, और हीट कहां काम करेगी, नीचे से इसको अपन हीट करेगा। तो अब आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एफ, दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। P क्या है, यहां पर प्रेशर, F बल, ये क्षेत्रफल, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, फोर्स बल बराबर P, ठीक है। आपको पता है अब इसमें क्या किया गया, यदि कितना कार्य हुआ, पर जो वर्क किया इसमें ये कितना हुआ, यहाँ तक ये पहले यहाँ पर था, इसको यहाँ से अपन यहाँ पर लेके आए, तो वर्क हुआ जो टोटल वर्क हुआ जो स्मॉल वर्क किया हुआ, तो इसको कैसे लिखा जाता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है डेल एक्स, डेल एक्स क्या है, जो आपने इसकी डिस्टेंस चेंज की है, ये डेल एक्स, ये वाला सॉरी ये डेल एक्स,
वॉल्यूम। ए क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल और डायरेक्शन, यानी कि तीनों चीजें आ गई इसमें, लंबाई चौड़ाई जो भी कुछ है वॉल्यूम, तीनों चीजें आ जाती है। तो ये तीनों चीजें आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी डेल, यानी कि वॉल्यूम जो बिग, ये डी क्या दिखा रहा है आउटलेट को, जो इसमें स्मॉल जो चेंज हो रहा है उसको दिखा रहा है। तो पी ये आपका वर्टन का फॉर्मूला निकल गया है, डब्ल्यू इक्वल टू पी डी। जो इसमें अपन ने कार्य किया वो ये। अब कार्य आपको देखा था ना प्रकरण कि कहां से कहां तक हुआ, इनिशियल टू फाइनल स्टेट, आरंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक। तो आपको पता है क्या करोगे इसके लिए, तो ये इनिशियल टू फाइनल केवल समाकलन किसका होगा, v का। तो w p बाहर और इसमें क्या जाएगा v हो जाएगा, तो v फाइनल इनिशियल तो w बराबर v फाइनल माइनस ये आपके पास वर्टन का फॉर्मूला निकल गया। हुआ क्या, क्या निकालना चाह रहे थे अपन थर्मोडायनेमिक्स में, वर्टन ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है वो कैसे होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कभी कभी छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। और इसी वर्टन से अपन आगे बड़े बड़े डेरिवेशन भी सोल्व करेंगे, उसमें अपन को काम में आएगा। तो कैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कि ये कंटेनर है, कंटेनर को ऊपर ऊपर से फोर्स लगाया, इस पर प्रेशर लगाया, यहाँ पर था, यहाँ से इसमें चेंज हुआ इतना, ये डेटा ये चेंज हुआ, ये पूरा पहले क्या था, पूरा एक्स था, ये टोटल क्या था एक्स था। तो इसमें से अब क्या हो रहा है, ये पहले x था, अब सॉरी x है और पहले क्या था x प्लस ये फर्स्ट फोर्स थर्मोडायनेमिक्स, नीचे से पहले यहां पर था, पहले क्या था x प्लस Δx, फिर क्या हुआ अपन ऊपर से कंटेनर किसी पिस्टन से प्रेशर लगाया तो केवल x बच गया। ये एरिया है, यहां पर ये एरिया है, p नीचे से जो प्रेशर लग रहा है और p नीचे से जो हीट लग रही है, फोर्स के वजह से फॉर्मूला है बराबर पी के। ये कहां से आया अपन को पता है, दाब का फॉर्मूला ये होता है, बेसिकली होता है जो इसमें इनिशियली जो वर्टन का वो ये फॉर्मूला होगा, इसमें अपन ने ए और की जगह डी की पुट करके और इसका समाधान कर दिया। इसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स में वर्टन, ठीक है। देखिए इसके आगे, देखिए अपन ने वर्टन निकाल लिया, वर्टन के बाद में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी को आप न डिस्ट्रॉय कर सकते न क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप एनर्जी को न तो नष्ट कर सकते हो न उत्पन्न कर सकते हो। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, फॉर्मूला होता है डेल यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जो एनर्जी होती है, हीट होती है, वो किसके रूप में होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्टन के रूप में होती है, यही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फिर इसके आगे हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, कैसे थर्मोडायनेमिक्स काम करती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का आप कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए ये चारों प्रोसेस अपन को पता होना जरूरी है। ये चीज अपन ने लास्ट क्लासेस में भी देखी हुई है, पहले अपने पत्र वगैरह में था कि आईसो पॉलिक्रोसेस, जिसको आप
देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस सम आइटेनियन प्रोसेस, आपको पता होगा इस प्रोसेस में क्या होता था, इस प्रक्रम में क्या होता था, वी पहुंचते हैं, वी नियत होता था। वी क्या है यहाँ पर? आइटम। अगर वी कांस्टेंट है तो अगर अपन इसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है, डी वी इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें क्या हो जाता है, डी वी जीरो हो जाता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस पता है आपको, आइडियल गैस का समीकरण क्या होता है, पी वी इक्वल टू एल आर डी। पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर, वी आइटम, ये चीजें हैं, ये आपको पता है, आप टेंथ क्लास से देखते आ रहे हो। आइडियल ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस का समीकरण, अगर आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा, अगर वी कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट हो गई तो पी किसके समानुपाती होगा, पी प्रोपोर्शनल टी के, पी प्रोपोर्शनल टी के। आर नियतांक है तो पी समानुपाती टी, इसको ऊपर कैसे लिख सकते हैं, पीपी कौन है और ये कौन सा लॉ होता है, प्रेशर। क्या बोला जाता है इसको, दिस इज प्रेशर। आइसोकोरिक इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी, आइडियल गैस का समीकरण लिखा हमने, ये चीज लिखा अपन को, बस इतना सा पता होना चाहिए आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है, ये अपन को बोला गया और इसको बोला जाता है प्रेशर। फिर इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम वी कांस्टेंट है तो ये वी कांस्टेंट होते हैं, पी और वी के मध्य ग्राफ है, वी कांस्टेंट है तो ये आपने लाइन बना दी। अब इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पर वी क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। वर्क टाइम क्या हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक अपन ने अभी वर्क टाइम का फॉर्मूला निकाला, वर्क टाइम का फॉर्मूला ये था, इसमें अगर डिग्री क्या है अपने पास, जीरो है तो वर्क टाइम टोटल वर्क टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। पहले अपन ने यहां पर पढ़ा हुआ था, इससे आगे अपन देखते हैं। आइसोकोरिक का अपन को इतना पता था कि इसमें भी कांस्टेंट होता है, लेकिन अब अपन को वर्क टाइम और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों चीजें भी इसमें पता होनी चाहिए। अब अपन को dW जीरो हो गया तो वर्क थर्मोडायनेमिक्स का आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, dU बराबर dU, यानी कि जितनी हीट होती है उतनी ही इंटरनल एनर्जी होती है, यही आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आप देखिए आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है कि आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या चीजें कांस्टेंट होती है। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल टू एल आर डी, पी क्या है, कांस्टेंट है तो वी समानुपाती टी, वी प्रोपोर्शनल टी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं वी टी दिस इज चार्ज। इसको कौन सा नियम बोला जाता है, चार्ज का नियम बोला जाता है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, पी पी कांस्टेंट है तो ये लाइन के आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें देखिए इसमें टी कांस्टेंट होता है तो डी टी इक्वल टू जीरो, पी वी एन आर टी कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा, पी समानुपाती बन, ये सब चीजें क्या, टी कॉन्स्टेंट चला जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो वी करा जाएगा, तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। इसको बोला जाता है बॉयल्स डायग्राम कैसा बनेगा, आइसोथर्मल का वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसे होता है इसको देखिए। वर्क डन आपको वर्क डन का नाम आते हैं, आपको ये फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है W इक्वल टू V इनिशियल V फाइनल।
एग्जाम्पल ओपन कट वाटर हीटेड ओपन कट हिंदी में आप लिख सकते हो।